हेलो भाइयों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमरेश पटेल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गैरेना के गेमर्स में। तो फाइनली, जैसा कि मैं क्या कह रहा था कि इधर एक हफ्ते होने चले हैं, शायद 3 से 4 दिन, एक हफ्ते होने ही चले हैं, लेकिन मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज मैं एक क्लास स्क्वाड की वीडियो डाल रहा हूँ, जिसमें स्टार्टिंग में तो हम ट्रिपल किल करेंगे, आगे बढ़िया किल करेंगे और अपना टारगेट पूरा करेंगे, जैसा कि हमारा टारगेट रहता है हर राउंड में 2 किल का। तो क्या होता है कि मेरे जो फ़ोन होता है ना, ये फ़ोन मेरा जिससे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो अभी क्या है कि रे मेरे कोई चैनल ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, ना ज़्यादा लाइक्स आती है ना व्यूज़। तो इसमें क्या हुआ कि मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा वो बनाता था वीडियोस और बहुत ज़्यादा फ्री फायर खेलने लगा, जिसके कारण मेरी मम्मी को जब पता चला कि इतना सारा फ्री फायर इतनी देर तक खेलता रहता है, तो मेरी मम्मी ने पापा से मेरे कंप्लेंट कर दी और पापा ने मेरा फ़ोन चेंज कर दिया। जिस फ़ोन से मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, रेडमी का, मतलब उस फ़ोन को मेरा चेंज हो गया, और जो पापा के पास फ़ोन था ना सैमसंग का, वो मेरे हाथ में आ गया। अब बताओ, सैमसंग का वो फ़ोन काफ़ी पुराना हो गया था और उसमें स्टोरेज इतनी नहीं थी, क्योंकि वो 5 साल का फ़ोन हो गया और सैमसंग गैलेक्सी J2 है, तो उसमें J2 मैं कह रहा हूँ, ON7 है, तो उसमें इतनी स्टोरेज नहीं थी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शायद 8-16 GB थी, तो जिसके कारण मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता था वो। तो इसीलिए आज फाइनली मुझे एक बार दोबारा मेरा रेडमी मिला है, मतलब पापा घर पे आए हैं तो वो रेडमी फ़ोन मुझे हाथ में मिला है, तो मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट राउंड तो हम जीत गए हैं ट्रिपल किल के साथ। अब अगर जो मैं अपनी बात ये कह रहा था कि मेरे अगर जो 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाते हैं तो रेडमी का ये फ़ोन मेरे हाथ में आ सकता है, क्योंकि चांसेस हैं कि हाँ मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो सकता है अगर जो 1000 सब्सक्राइबर आ गए, तो शायद मेरे पापा भी मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना कि मेरे पापा इतना सपोर्ट नहीं करेंगे 1000 में, तो खैर मैं अपनी ट्राई पूरी करूँगा, मैं अपना पूरा मेहनत कर दूँगा इस यूट्यूब चैनल में, क्योंकि जिस दिन मैंने फ्री फायर का एक चैनल देखा ना, टोटल गेमिंग का, उस दिन मैंने भी ठान लिया कि हाँ एक दिन मैं भी टोटल गेमिंग की तरह सब्सक्राइबर बढ़ाऊँगा और मैं भी जी तोड़ के मेहनत करूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करो, प्लीज़ प्लीज़। तो ये एक बनता है, अब हम अपने गेम की तरफ ध्यान देते हैं। बहुत ये सब कह दिया, तो उसने ग्लू वॉल लगा लिया, हमारे पास थॉम्सन गन है, इसे हम पूरी तरह से ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन वो बंदा गया कहाँ गायब हो गया। तो चलिए जल्दी से उसे पीछा करते हैं। ये रहा, ये अंदर घुस गया एकदम, इसे हम ख़त्म करेंगे। अब ये सामने आया, ओ शिट 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 शिट, ओ यार ये अचानक से आ गया और इसने इस बंदे को मार दिया। कोई बात नहीं, तो इस राउंड में हमें अभी शायद एक भी किल नहीं मिला है, तो फटाफट जाते हैं और किल कलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे एक बंदा नॉक हो गया है, हमारा एक साथी है, तो उसे जिसने नॉक किया है उसे क्यों हम ख़त्म करेंगे। कहाँ है ये, निकला, ये निकली और ये नॉक पूरी तरह से ख़त्म। ओ हेड नहीं दिया मैंने, हेड देना चाहिए था। तो मेरे पास अब दो थॉम्सन हो गए, इन दो थॉम्सन को तो एक साथ चला नहीं सकता। तब एक और बंदे को कैसे भी करके ख़त्म करना होगा। अब वो बंदा कहाँ पे है भाई, दिख जाए एक बार, मैं तुझे ख़त्म करना चाहता। ये रहा, ओ शिट शिट शिट, एक मिनट, और इस राउंड में डबल किल। तो इस राउंड में डबल किल, पिछले राउंड में ट्रिपल किल, इसको मिला के 2 राउंड में हमारे हो गए 5 किल। तो हम अपने टारगेट, जैसे कि हर राउंड के 2 किल रहते हैं, तो अपने टारगेट से हम आगे चल रहे हैं, एक कदम आगे चल रहे हैं। अब इस राउंड में भी 2 किल हो गया, तो आगे ही चलते रहेंगे। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि इस राउंड में क्या होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि मेरा फ़ोन मेरे पास वापस आ जाए और मैं वीडियो डेली अपलोड करता रहूँ आपके लिए। तो अब आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं इस राउंड में थॉम्सन ही हमारे पास दोबारा। तो ये एक तरह से थॉम्सन चैलेंज तो नहीं कह सकता, क्योंकि अभी मेरे 2 राउंड्स हुए हैं, तो मैंने उस वक्त कुछ भी ये नहीं सोचा था कि मैं थॉम्सन चैलेंज करूँ, क्योंकि थॉम्सन चैलेंज की मैंने बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ। ये रहा, ये इसे, ओ शिट, निशाने लगा, एक मिनट, ख़त्म, ओ शिट, ओ लग जा, ओ नॉक हो गया। चलो इसे तो हमने, ओ शिट, किसी ने हेड मार दिया क्या यार, ओ ये भी गया। अब यार इतनी बुरी तरह मारी इसने हमें, कोई बात नहीं, हम आगे चलते रहते हैं। तो मतलब कब से मैं यहाँ पे पड़ा हूँ भाई, कोई तो जिता दो हमें। उनकी तरफ 3 हैं, हमारी तरफ अभी 2 ही हैं, 2 तो नॉक पड़े हैं उनकी तरफ। ओ इक्वली आ गए हैं, इक्वली, बस अगर जो, ओ मैं मरने ही वाला हूँ, अगर जो उसने नहीं मारा तो मुझे नई गन्स परचेज़ करनी पड़ेगी। ओ शिट, मैं मर गया, ये बुरा हुआ। अब देखते हैं कि ये कुछ कर पाएगी या नहीं, तो देखते हैं। ये अकेली है और वो 2 हैं, अगर जो इसने बंदों को मार दिया तो सबसे बढ़िया रहेगा।
तो अभी फर्स्ट पोजीशन तो हमारी है, पहले नंबर पे तो हम ही चल रहे हैं। अगर जो उसने बंदों को मार दिया तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। अब ये पहला नॉक कर दिया इसने, पहले इसे पूरी तरह से ख़त्म करेगी, कर दिया। चलो अब बहन इसे भी मार, इसे भी, ओ इसे भी मार, मार जल्दी मार 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 मार। ओ भाई ओपी, इसे तो एक लाइक देना बनता था, तो लाइक दिया हमने। चलो जिता भी दिया इसने, तीन राउंड अब हमारी विक्ट्री हो चुकी है, अब बचे एक राउंड। इस राउंड में तो हम पक्का विक्ट्री करके ही मानेंगे, मतलब तीन बार विक्ट्री हो गई, अब लास्ट विक्ट्री तो होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह कि विक्ट्री नहीं होगा। तो इस बार हमारे पास है डबल वेक्टर, जैसे कि मैंने कहा था कि हम वो थॉमसन चैलेंज नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि हम थॉमसन चैलेंज करेंगे। तो G18 चैलेंज करने के लिए मुझे एकदम काफ़ी ज़्यादा और खेलना होगा और मुझे प्रो बनना होगा, तब जाके मैं एक बार G18 का चैलेंज भी दे पाऊँगा। देखो जैसे कि मैंने वैक्टर चैलेंज दे रखा है और आई थिंक शॉटगन चैलेंज भी दे रखा है। XM8 का चैलेंज पहले मैं इतना बढ़िया नहीं खेलता था, लेकिन अब तो XM8 मैं मुझे बहुत अच्छी चलानी आती, लेकिन अब XM8 अब मिलती नहीं है। खैर तो एक बार G18 चैलेंज भी देना है, और फार्मास चैलेंज के लिए इतना बढ़िया नहीं है, नॉट बेटर, तो कोई बात नहीं। बहुत से हमने गन की चैलेंज कर रखी है, AWM तो मुझे इतनी अच्छी चलानी ही नहीं आती। तो फटाफट बंदों को ख़त्म करते हैं, एक बंदा बोरा उसे ओ ओ, ओ ये मारेगी, कहीं मैं मार देता हूँ सबसे पहले। ओ शुक्र है मेरे पास डबल वेक्टर थी, वरना ये किल ले जाती उठा के। तो हम नीचे चलते हैं, क्या पता नीचे वो बंदी मिल जाए, मतलब कोई वो साथी, तो पक्का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जब ही जाके हमें वो मिलेगी। तो ढूंढते हैं फटाफट वो है कहाँ पे, यहाँ भी नहीं है। ओ ओ वो पिट रही है, कहाँ से पिट रही है ये, यहाँ पे कोई एक था जो पिट रहा था। तो चलते हैं, हमें किल ही चाहिए, हमें ही को चाहिए किल, कोई और किल नहीं ले सकता हमारे अलावा। उधर एक बार घूम के आता हूँ, ये रही ओ डैमेज पड़ा, लेकिन ये रिवाइव दे रही है देखो, और इसी के साथ हमारा बूया हो गया। वाह भांगड़ा वाला इमोट कर रहा हूँ, एकदम बूया मज़ा ही आ गया, क्या ही कहा जाए। तो इसी के साथ हमने बूया कर लिया, अब देखते हैं हमारे कितने किल है, और मैन ऑफ द मैच कौन है। मैन ऑफ द मैच तो हम ही हैं, हमारे अलावा कोई और नहीं हो सकता। अब हम प्लैटिनम थर्ड पे पहुंच जाएंगे 8 किल के साथ, मैन ऑफ द मैच। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करो दोस्तों, मुझे मेरा फ़ोन मिल जाए। हैव अ नाइस दोस्तों।